दुर्ग में भूपेश बघेल की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा को लेकर खुशी का माहौल है। इस संबंध में दुर्ग कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अश्विनी साहू ने हमारे संवाददाता ललित साहू से खास बातचीत की। वहीं मंडी अध्यक्ष अश्विनी साहू ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिया है। वहीं अश्विनी साहू ने मुख्यमंत्री बघेल को साधना न्यूज के माध्यम से बधाई दी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा विधानसभा में एक बड़े घोषणा करे है और वो घोषणा हवे कि 20 क्विंटल अब धान किसान मन के खरीदी आने वाला समय में 20 क्विंटल के धान किसान मन के खरीदी जेकर से पूरा प्रदेश भर में एक ऐतिहासिक जो खुशी देखे पर मिला थे और ये क्रांतिकारी निर्णय सीएम साहब जो है किसान पुत्र है और वो ले है और एक से पहले भी जब वो चुनाव जीत के आए रही से तो किसान मन के मुद्दा ला कम्प्लीट करे रही से और समर्थन मूल्य के साथ साथ किसान न्याय धन योजना के तहत राशि देतरी से और एकर बाद अब जो 20 कुंटल धान खरीदे के जो मामला है ओला भी क्लियर कर दे घोषणा कर दे है और किसान मन में खुशी की लहर है। और यही बीच में हमार सन चर्चा में जो दुर्ग कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष है अश्विनी साहू जी वो हम मौजूद है और वह काफ़ी खुशी है कावर वो भी किसान पुत्र है और हजारों किसान के नेतृत्व करते आप कैसे देखते सीएम साहब 20 कुंटल धान खरीदे के घोषणा कर दे है विधानसभा में। प्रदेश के सब किसान साथी मिला जय जोहार आप सबके बहुत मैं अभिवादन करत हूँ। मैं तो आज तो ऐसे हो गए कि माता रानी के पर्व चलत है और जिमें ऐसे लगत कि हम दिवाली मनाथन और मैं तो आज भिंचे ले बिना नहाए में मिठाई खाऊँ एक दूसर ला बधाई दे हूँ तो ऐसे लगते कि अतेक खुशन और सचमुच ये बात ला जान के बड़ा अच्छा लगते कि हमार आदरणीय भूपेश बघेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहीस कांग्रेस के वो समय घोषणा पत्र बने रही थे घोषणा पत्र में जो बात लिखे रही किसान मन के लिए कर्जा माफ़ी जैसे 2 घंटा के भीतर करी मंत्रिमंडल के गठन के बाद फिर किसान मन के कर्जा माफ़ी के बाद और 2500 रुपया में धान के समर्थन मूल्य बिजली बिल हाफ ये योजना तो पहले हो गए लेकिन फिर भी अब कहे किसान मन कि हमार मन के पास धानों बच जे थे बोला हमन का करन तो भूपेश बघेल जी ऐसे योजना बनाईस कि वो घोषणा करीस कि प्रदेश के हर किसान खुश है मोला तो ऐसे लगा थे कि अब पर्यावरियल घलो अमन है धनहा बना के मन धान बोही ऐसे लगा थे। विनियोग विधेयक में जब एकर चर्चा के दौरान घोषणा करी से तो विपक्ष मन भी जो है भौचक रही गए और वाकई में बहुत बड़े निर्णय है काबर की एकर लाभ जो है विपक्ष ला भी मिलना है काबर की किसान तो सबो हरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश ला किसान जो धान के कटोरा कहा जाते और धान के कटोरा कहा जाते मतलब कि सबसे ज़्यादा किसान भाई मन है और किसान भाई मन के जो आत्मनिर्भरता और बढ़ी और कहीं ना कहीं जो है जो ओकर मन के जो आर्थिक जो मजबूती है ओमे मजबूती आई अब किसान मन हाँ अब प्लेन भी चढ़ी आराम से जो मन नहीं चढ़ पाए ये बात अच्छा कहो अब ये सपना लो जरूर किसान साथी मन पूरा करी कहीं भी जाए तो आजकल तो ट्रेन है अब देरी से चलते मालूम है जब से मोदी सरकार बैठे देखा था ट्रेन कदे आधा बीच में रुक जाइए कौन दिन रद्द हो जाए तुरंत हो जाते इसे तब वो प्लेने चढ़ने है दिखा थे किसान मन पर बड़ा अद्भुत लगी इसकी एक चीज़ मतलब सुरता आते काबर मैं 1993 से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हूँ तो बहुत सारी चीज़ ला रग रग से वाकिब हो हमन योजना कैसे संघर्ष करन वो कैसे संघर्ष करी से और संघर्ष के परिणाम की आज किसान ला एक उद्योगपति मन जैसे मौज करते खुशी रहते होकर जीवन में खुशहाली रहते वो स्तर में मतलब खड़ा कर दी से आप लोग सुरता हुई कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनी से और रमन सिंह जी है अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री रही से तो 10 क्विंटल खरीदे के फरमान जारी कर दे रही से तो हमन आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में हमन जंतर मंतर गए धरना प्रदर्शन करें प्रधानमंत्री आवास के घेराव भी करें और वापस आता होइस के 15 क्विंटल खरीदना है अब बीज के 5 क्विंटल के भरपाई आज आदरणीय भूपेश बघेल जी कर दीस तो जतेक भी तारीफ करे जाए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के और हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी के वो खुद शुभकामना दे माननीय मुख्यमंत्री जी ला तो ये अद्भुत फैसला चमत्कारिक फैसला अब मोला तो ऐसे लगते कि जैसन कि हम शुरू में कहा रहे कि 71 अब 75 पार ऐसे की के तो ऐसे लगते 75 ले घलो ज़्यादा पार हो जाए तो ऐसे लगत है काबर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है ये मतलब ऐसे लगे चारों खाना चित हो गए
और जोन भी मुद्दा मन ढूंढत रही से वो मुद्दा पूरा खत्म कर दी से। साहू जी एक मजेदार चर्चा हो करवो, जब लड़की देखे पर जाते लड़का तो कथी के कड़ खेत है करके पूछते, तो अब अगर मान लो 2 एकड़ या 4 एकड़ या 5 एकड़ भी बताई तो होकर महत्व अलग होई, नौकरी से ज़्यादा महत्व अलग होई, काबर की 20 क्विंटल बहुत मायने रखते और अब तो सुनाई में आते कि राशि भी बढ़ाई। अब ये तो पहली से हमार भूपेश जी कह चुके हैं कि 2800 करीब चल वो चुनाव तीर में इसे करके, तो वो तो और ज़्यादा हो की स्थिति में। अब एक बात, हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है कतका खेत है कैसे खेती करते हो, ये तो बहुत सारे खेती तो बंजर पड़े रही से, अब बोला सब चिन्हांकित करके धान बोना शुरू करी से। और दूसरा एक परिवर्तन हो रही हमारे सरकार में कि जिन जमीन मन है चाहे खदान में रही से चाहे वो फल सब्जी बाड़ी उगावत रही से वो हम धान बेचत रही से, तो इला कौन बेचत रही से, बाहर के पूंजीपति मन लेख रखे कई कई 100 एकड़ जमीन वही मोमन धान दिखावत रही से, तो ओला भी रोकी से। तो जेन किसान जमीन में धान बोए किसान है वो जमीन के ही धान ला बेचबे तब तो ज़्यादा अच्छा रही। और सरकार के ये फैसला भी मोल अच्छा लगी से कि जेन मन धाने नहीं बोए थे, और जैसे हमारे एरिया में खदान वाले मन है तो बहुत झन ठेकेदार मन खदान के लिए जमीन पहले खरीद के रख रहे और लीज करवा के रखे खोदे नहीं है तो वो धाने नहीं बोए, लेकिन वो धान के नाम से वो तो धान पर वो अपन धाने बेचा थे वो जमीन के नाम में, तो ये और बढ़िया रोकी से। तो कुल मिला के व्यवस्था में अतेक परिवर्तन आए, अब मोर कर तो भाषा नहीं है कि अतेक में तो खुश हमें काली में सांझ कन देखे हो जस गीत माता रानी के जस गीत भजन करत रहे हूँ शीतला में, अब अचानक फोन इस तो देख पा रहे हूँ तो 20 क्विंटल धान, तो मैं ओतके बेर के हूँ शीतला माता के मंदिर में देखो हमारे भूपेश बघेल जी है मुख्यमंत्री जी है 20 क्विंटल धान खरीदे के घोषणा कर दे है, तो सुबह फटाका फोड़े ना हम बिना नहाए हम खुद बताएं ना कि बिना नहाए हम मिठाई खाएं पहली बार बगैर नहाए मिठाई खाई से साहू जी है। और वाकई में ऐतिहासिक एक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है सीएम साहब के। एक चीज़ और चर्चा करबो हमन हाँ, जे जमीन के जो मालिक है वो मन हाँ फायदा नहीं होने की वजह से पहली रेघा कट्टू दे दी से, अब मोला ऐसे लगते साहू जी कि वो मन रेघा कट्टू नहीं दे के खुदे धान के बुआई करी और खेती करी। ये तो अच्छा खेती के स्तर सुधर गए, और जैसे कि हमन एक तरफ नरेंद्र मोदी के सरकार का है किसान मन के आयल हमन दुगुना करबो के वो दुगुना नहीं भावे मन दुगुना हो गए कर राज में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में दुनिया में ऐसे कोई प्रजातांत्रिक देश के एक प्रदेश ऐसे छत्तीसगढ़ जिनमें धान के कटोरा, तो वही अभी धन के कटोरा हो गए हमारे मुखिया जी कहते धन के कटोरा बना दे, तो इनमें हर आदमी की भागीदारी है। किसान साथी मन बहुत संघर्ष करते मेहनत करते खून पसीना निकालते तब कहीं जा खेत समर्थे, पानी तो चाहिए खेती ला लेकिन किसान के पसीना के बूंद भी चाहिए खेती ला। अब वो आज वो पसीना के बूंद के महत्व ला हमार सरकार समझी मुखिया जी समझी से, तो मोला इसे लगते कि नया पीढ़ी के लड़का मन जो रोजगार के लिए नौकरी की तलाश में ढूंढत रही से ओकर 5-5-7 एकड़ अगर जमीन है 3 एकड़ जमीन है तो मैं समझता हूँ वो अब खेती की तरफ भी अपन रुझान स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। और चाहे कि अब जब रोजगारे नहीं मिला नौकरी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हमारे पास जो खेती थे हमें तो उन्नत खेती कर सकत हन, ये संदेश दूरगामी संदेश परिणाम दी ये योजना से ये कल के बोल। सीएम साहब 2 दिन पहले पत्रकार मला भी सौगात दे रही से पत्रकार सुरक्षा कानून के, गृह निर्माण मंडल में भी कुछ छूट दे है वह 15% के 15% केंद्र सरकार देते 15% राज्य सरकार दे के घोषणा कर दे है, ओकर अलावा बहुत सारा औ हमें कर्णिका है जिनमें लाभ पत्रकार मला मिलना है और आवास के लिए भी सर्वे के लिए आदेश जारी कर दे है। ये तो अच्छा हो इसे जो ने विधानसभा में जो बजट ये साल पेश करी इस, तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद सरकार तो कांग्रेस के बीरी से मुख्यमंत्री कांग्रेस के बीरी से दूसर पार्टी के बीरी से, लेकिन आज़ादी के बाद जोन बजट छत्तीसगढ़ में पेश करेगी एक साथ अतेक वर्ग लाभान्वित करी चाहे कोतवाल मेहनत करी या बेचारा मन ओकर तनख्वाह बढ़ा दीस, आंगनबाड़ी वाले के तनख्वाह, सफाई कर्मचारी के तनख्वाह, ओकर बाद फिर रसोईया मन के तनख्वाह, ओकर बाद पटेल गाँव में जोन होते तेला 3000 मिलना है, तो पटेल के महत्व खत्म होते रही पंचायती राज में फिर से कायम कर दी से, इसी हो गए कि आदमी अब जेकर गांव पटेल ने वन पटेले के फार्म भरे पर आगू आना चाहते, और 3228 करोड़ रुपया जो आवंटन अभी बजट में रखे है अपन आवास के लिए, तो मैं समझता हूँ कि सही मायने में हमार गरीब मजदूर के पोषक बन के एक किसान के बेटा है जो गद्दी संभाले के बाद
जो हमारे पुरखा मन सपना देखे नहीं वो सपना पूरा करत है। तो बघेल जी के लिए हमन जतेक भी प्रशंसा करन बात के तारीफ करन शब्द कम है, लेकिन हम तो ही कहबो कि आने वाला 2023 के चुनाव में हमारे प्रदेशवासी मन कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि नवा ताकत नवा ऊर्जा और पूरा शक्ति से पूरा ईमानदारी और निष्ठा से गरीब जनता की सेवा कर सके। और ये तो कहे जाते ना, अगर हम सीधा भगवान के सेवा नहीं कर सकते तो इंसान के सेवा कर दो तो भगवान एक सेवा समर्पित हो जाते, ऐसे मोर मानना है। विनियोग विधेयक में जब ये घोषणा करी सीएम साहब कि 20 कुंटल धान खरीदी अब आने वाला समय में, और वाकई में किसान मन के जो खुशी के जो माहौल है वो देखते ही बना थे, और किसान मन के लिए काबर खुशी नहीं बनी, काबर की किसान के जो जो मेहनत है ओकर लाभ भूपेश बघेल साहब लगातार दे थे आए के बाद, और अभी फिर से एक बार सौगात दे है, और किसान मन की जो विश्वास है भूपेश बघेल सरकार के प्रति और बढ़ चुके हैं, और आगे किसान मन हम अब ये तो फाइनल है कि किसान मन भूपेश बघेल सरकार ला ही आगे सपोर्ट करी, काबर की किसान मन के लाभ के निर्णय लगातार लेवत जावत है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित दुर्ग छत्तीसगढ़।